आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है, मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी, बैनुल अक्वामी खबरों पर डालते हैं तेजी के साथ एक नज़र। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के पहले तिजारती मिशन में इसरो ने ब्राजील के अमेज़न 1 और दीगर 20 सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से आज कामयाबी के साथ छोड़ा है। खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी PSLV C-51 का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट को 10:23 पर छोड़ा गया। PSLV C-51 NSIL का पहला तिजारती मिशन है। यहाँ आपको बता देंगे इस खलाई जहाज के ऊपर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर कशी की गई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन ने पार्टी की कमजोरियों को दूर करने और पार्टी में कायदाना तब्दीलियों और तंजीमी रद्दबदल की ज़रूरत पर जोर दिया। एक तकरीब में कांग्रेस के सीनियर कायदीन गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल ने शिरकत की। सिब्बल ने कहा कि पार्टी कमज़ोर हो रही है और हम इसे मजबूत बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये सच है और हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, अब इसमें रद्दबदल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 74वें एपिसोड में आज आवाम से अपने खिताब में पानी की अहमियत और इसके इस्तेमाल के बारे में कहा। पीएम मोदी ने कहा, पानी एक तरह से पारस से ज़्यादा अहम है, जबकि कहा जाता है कि पारस के छूने से लोहे को सोने में तब्दील कर दिया जाता है, इसी तरह पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है। मुल्क भर में लगातार 5 दिन से कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले मरीजों की तादाद 100 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि नए केसेस 16,000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। अब तक 1,43,00,000 से ज़्यादा अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी दौरान वजारत सेहत की जानिब से जारी इदाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 113 मरीजों की हलाकत से मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमू तादाद 1,57,000 से ज़्यादा हो गई है। बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इंतखाबात नज़दीक हैं और राहुल गांधी मच्छरों के साथ मछलियां पकड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह बीजेपी के तमाम कारकुनों के साथ आवाम के बीच मौजूद हैं, जबकि राहुल गांधी मछलियों में मसरूफ हैं। फिर इलेक्शन नतज आने के बाद वो EVM का रोना रोएंगे। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को हंगामी सूरत हाल में कोरोना वायरस से नजात के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। FDA का कहना है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए तीसरी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। जॉनसन एंड जॉनसन की COVID-19 वैक्सीन 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तकसीम की जा सकती है। श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन सोनावाल इलाके में 17 फरवरी को मुश्तबा जंगजुओं की गोलियों का निशाना बनने वाले मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक रमेश कुमार मेहरा के बेटे आकाश मेहरा 11 दिनों तक श्री महारी सिंह अस्पताल में मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 17 फरवरी को मिलिटेंट्स की जानिब से इन पर हमला किया गया था। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV हक की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।